टी20 वर्ल्ड कप में भारत को हराने के सपने देख रहा है पाकिस्तान। दो बार की चैंपियन कोलकाता तीसरी बार फाइनल में। रोनाल्डो की 10वीं हैट्रिक, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा हैट्रिक का रिकॉर्ड। मालदीव को 3-1 से हराकर सेफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय टीम को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी टीम आगामी टी20 विश्व कप में जीत के साथ आगाज करेगी। पाक टीम कभी भी भारत को वनडे और टी20 विश्व कप में हरा नहीं सकी है। बाबर ने बुधवार को कहा, हमारा ध्यान पहले मैच में भारत को हराकर लय हासिल करने और उसे आगे ले जाने पर है। विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जाते समय विश्वास सबसे ज़्यादा मायने रखता है और एक टीम के रूप में हमारा आत्मविश्वास और मनोबल ऊंचा बना हुआ है। IPL 2021 के दूसरे क्वालिफायर में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया। ग्रुप मैचों के बाद दिल्ली टीम टेबल टॉप पर थी, उसे फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिले लेकिन टीम असफल रही। टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरी बार दिल्ली टेबल में टॉप पर रहने के बाद भी फाइनल में नहीं पहुंची। भारतीय फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप में मेजबान मालदीव को 3-1 से हराया। भारतीय टीम चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई जहां उसका सामना रविवार को नेपाल से होगा। भारत की ओर से मनवीर सिंह ने 33वें और कप्तान सुनील छेत्री ने 62वें 71वें मिनट में गोल किया। इस बीच भारतीय महिला टीम ने इंटरनेशनल फ्रेंडली में ताइवान को 1-0 से मात दी। दुनिया के सबसे सफल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी मैदान में उतरते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं। 36 साल के रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल हैट्रिक जमाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पुर्तगाल के रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में लजमर्ग के खिलाफ 3 गोल किए। उन्होंने 8वें 13वें मिनट में पेनल्टी जबकि 87 मिनट में हेडर से गोल किया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 साल बाद थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने अंतिम बार 2010 में क्वार्टर फाइनल खेली थी। बुधवार को भारतीय टीम ने ताहिती को 5-0 से हरा कर यह उपलब्धि हासिल की। ताहिती पर जीत से भारत का ग्रुप सी में शीर्ष में 2 स्थान पक्का हो गया है। महाराष्ट्र की 15 साल की शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख महिला गैंड मास्टर बन गई है। दिव्या देश की 21वीं महिला गैंड मास्टर है। उन्होंने बुडोपेस्ट में ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में 2रा इंटरनेशनल मास्टर पूरा किया। उनके 9 राउंड के बाद 3 जीत 4 ड्रॉ और 2 हार के बाद 5 अंक हैं। दिव्या ने पिछले साल ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड जीता था। स्पोर्ट्स की ताजातरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फर्स्ट को। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़।